कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना वायरस से जींद जिले में तीसरी मौत हुई है। पिल्लूखेड़ा के 61 वर्षीय किडनी रोग पीड़ित की रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई। जींद जिले में जब भी कोरोना के संक्रमण से राहत होने की संभावना होती है, तभी कोई न कोई नया केस या कोरोना से मौत होने की सूचना मिल जाती है। हालांकि पूरे प्रदेश में जिस दर से कोरोना के केस में बढ़ोतरी मिल रही है, वहीं जींद में राहत की खबरें ये हैं कि जींद में अब तक का रिकवरी रेट बेहतर है। और हाल ही में अगर कोरोना अपडेट को लेकर बात करें तो जींद में अब तक 6019 सैंपल लिए जा चुके हैं। अब तक जींद में 34 कोरोना पॉजिटिव केस में से 26 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इसके बारे में ये जो है 61 वर्ष के व्यक्ति थे जो पिल्लूखेड़ा मंडी से बिलोंग करते थे, तो इनका जो 29 तारीख को हमने सैंपल लिया था और इनकी 31 मई को रिपोर्ट आई थी जो पॉजिटिव थी। और इनको जो है डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ व क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी थी और इनका डायलिसिस का इलाज चल रहा था। तो ये वहाँ पे पीजीआई रोहतक में एडमिट थे और आज रात को लगभग 1:30 बजे इनकी जो है डेथ हो गई है। तो ये साथ में इनको कोरोना भी था और इनको क्रोनिक डिजीज़ भी थी। वेंटिलेटर पर थे? हाँ, ये वेंटिलेटर पर थे पिछले 3-4 दिन से। तो इसकी रात को 1:16 बजे पर डेथ हुई। सर, इसी इस अंतिम संस्कार वगैरह अंतिम संस्कार इनका वहाँ पे, जैसे मेरी अभी वहाँ के डॉक्टरों से बात हुई है, तो रोहतक में ही इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो पॉजिटिव केस हैं कोविड हॉस्पिटल के, उनका संस्कार रोहतक ही कर रहे हैं। जिले में सर कितनी डेथ होगी और कितने एक्टिव, कितने डिस्चार्ज हो? जो टोटल है हमारे पास 34 केस अभी तक जो जिला जेल में आए हैं, इनमें से 26 जो बिल्कुल ठीक होकर घर जा चुके हैं और 5 जो एक्टिव केस अभी रह गए हैं और 3 जो है हमारे यहाँ पे डेथ हो गई। सर, टोटल की आपने सैंपलिंग की बात की थी, कितनी सैंपलिंग हुई सर अभी तक? सैंपलिंग जो है जिले में अभी तक 6019 की सैंपलिंग हुई है और जो एवरेज है हमारा अभी जो सैंपलिंग का करीब 150 के आसपास जो सैंपलिंग हो रही है। और कल भी करीब 100 के आसपास रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें कल सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी और जो परसों थे वो 3 केस पॉजिटिव आए। तो 1 तारीख तक माने सर लगभग क्लीन है, पॉजिटिव छोड़कर जी? हाँ बिल्कुल।